कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 से बाहर आकर मनीषा रानी छाई हुई हैं। बिहार की मनीषा रानी ने शो के अंदर एल्विश यादव के साथ खूब फ्लर्ट किया था, लेकिन शो से बाहर आकर मनीषा रानी का नाम सिंगर टोनी कक्कर के साथ जुड़ गया है। टोनी कक्कर और मनीषा रानी एक म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे हैं। दावा है कि दोनों की डेटिंग लाइफ शुरू हो गई है। अब मनीषा रानी ने अपने और टोनी कक्कर के रिश्ते का सच बताया है। मनीषा रानी ने टोनी कक्कर को सिर्फ अपना दोस्त कहा है। दरअसल मनीषा रानी ने कुछ समय पहले ही टोनी कक्कर के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसके बाद ही उनके अफेयर की अफवाह तेज हो गई। अब मनीषा रानी ने अपने एक इंटरव्यू में सब कुछ साफ कर दिया है। मनीषा ने कहा, टोनी कक्कर ने मुझे चॉकलेट और फूल दिए थे। हुआ यह था कि मैं और मेरे पापा एक दिन पहले टोनी कक्कर से मिले थे, तब मैं उनके लिए चॉकलेट लेकर गई। वह मेरे फेवरेट हैं और मैं उनसे पहली बार मिल रही थी, इसलिए मैं उनके लिए चॉकलेट लेकर गई। उन्होंने भी बदले में अगले दिन मुझे चॉकलेट और एक फूल दिए। उसने मुझे एक दोस्त के रूप में दिए थे, लेकिन जब हम जा रहे थे तो मीडिया आ गई और हमें एहसास हुआ कि इसे अलग रूप दे दिया गया है। मैंने फूल और चॉकलेट को अपने पर्स के अंदर रखने के बारे में सोचा। हम जिस चीज़ से बच रहे थे वही दिख गई। इसके आगे मनीषा रानी ने बताया कि मेरी बहन ने भी मुझसे कहा था कि तुम लोग दोस्त हो, इसलिए फूल और चॉकलेट छुपाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त भी एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। उस समय हमारे दिमाग ने काम नहीं किया और हम सचेत हो गए। हम सिर्फ दोस्त हैं और अब तक दो बार मिल चुके हैं। मीडिया में चल रहा है कि हम डेट कर रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।